साक्षी सिन्हा ने इस साल 23 जून को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और एक्टर जहीर इकबाल के साथ शादी की थी। दोनों की शादी एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई थी। हालांकि शादी के बाद दोनों को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। दोनों के धर्म को लेकर काफी सवाल खड़े किए गए। शादी के बाद दोनों ने अपना पहला गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया, जिसको लेकर एक बार फिर दोनों कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। हाल ही में सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपने पति जाहिर इकबाल के साथ गणपति बप्पा की पूजा और आरती करती नजर आई। वीडियो शेयर करने के साथ सोनाक्षी ने कैप्शन में लिखा, प्यार सम्मान के साथ बढ़ता है, वो तब होता है जब एक जोड़ा सच्चे सद्भाव के साथ एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करता है। गणेश चतुर्थी के मौके पर कट्टरपंथी गैंग काफी एक्टिव हो गया है और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर लगातार निशाना साध रहा है। पहले सारा अली खान ने गणपति बप्पा की पूजा करते हुए अपनी एक फोटो पोस्ट की, जिस पर ट्रोलर्स ने उनको जमकर ट्रोल किया। अब उनके निशाने पर सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जाहिर इकबाल आ गए हैं। सोनाक्षी के शेयर किए गए वीडियो पर काफी सारे यूजर्स जाहिर इकबाल के धर्म को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई जाहिर के मुसलमान होने का सबूत मांग रहा है, तो कोई कपल की आस्था पर सवाल कर रहा है। इतना ही नहीं, कोई जहीर पर मोहब्बत के लिए अपने ईमान के सौदे का आरोप लगा रहा है, तो कोई दोनों को एक दूसरे के धर्म बदलने की नसीहत दे रहा है। कोई सोनाक्षी से पूछ रहा है कि क्या वो ईद मनाएंगी। इस तरह के ढेरों कमेंट सोनाक्षी और जहीर के पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सोनाक्षी और जहीर को ट्रोलर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि दोनों एक दूसरे को पिछले 7 साल से डेट कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों ने इसी साल शादी की। जहां एक और दोनों के फैंस उनको शादी के लिए बधाई दे रहे थे, तो कुछ लोग उन दोनों को जमकर ट्रोल कर रहे थे। आप इस मामले में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।